नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाए जाने के लिए बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे से जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा ओपन कॉन्स्टेंटिन दौड़ बालकों को 10 किलोमीटर तथा बालिकाओं को 5 किलोमीटर की आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यक्रम आजमगढ़ स्टेडियम से प्रारंभ होकर नवरगंज बाजार से फिर वापस लौटी आएगी और फायर ब्रिगेड के पीछे होते हुए पुनः स्टेडियम पर संपन्न होगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसका आयोजन क्रीड़ा अधिकारी एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के सौजन्य से होगा। जनपद के प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों के छात्र के नाम की सूची क्रीड़ाधिकारी को भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाओं के किट एम्बुलेंस सहित व्यवस्था करेंगे। स्टेडियम पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा दौड़ मार्ग तथा ट्रैफिक पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के दिशा निर्देशन में किए जाएंगे। स्टेडियम की सफाई, चूना का छिड़काव तथा पीने का पानी की व्यवस्था शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद करेंगे तथा जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के आवश्यक सहयोग करेंगे।